Students, good morning. Today we will read the chapter section B, unit 1st, the humping square. What we see everywhere, जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, are wild pigeons, वो जंगली pigeons हैं, कबूतर हैं, and the sturdy crows और कौवे हैं, काज इन कोको पानी, जो कि कोको पानी में काव काव की आवाज को करते हैं, picture of loud voice का ये कोको पानी. The massive development of cities और जो शहरों का विशाल का है जो विकास है leading to loss of green cover. इससे green cover का loss हो रहा है and the fast spreading industrial pollution. और तेजी से फैलने वाले उद्योगों के द्वारा प्रदूषण है इज एडिंग द बोझ टू द टू दिस प्लैनेट. वह इस इंडिया के लिए बोझ को ऐड कर रहा है, संकट प्रॉब्लम्स को उत्पन्न कर रहा है. डेवलपमेंट है सूल बीच चार्पिंग लिटिल बर्ड्स और विकास है उन्होंने सूच किया है इन चार्पिंग छोटी छोटी चिड़ियों को चहचहाती हुई. अभी फ्रॉम आवर नेबरवुड हमारे पड़ोस से इन रिसेंट ईयर्स पिछले सालों में इंडिया अलॉन्ग विद द मैनी अदर कंट्री भारत दूसरे बहुत से अन्य देशों के साथ हैज सीन ए ड्रामेटिक डिक्लाइन. इससे एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है इन इट्स स्पैरो पॉपुलेशन इसकी स्पैरो की संख्या में. हाउएवर ऑर्निथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व द फिनोमेनन मोर देन मेट्रो सिटीज. किसी तरीके से चिड़ियों के बारे में जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उन्होंने इस फिनोमेनन को देखा है. अधिकांशतः जो मेट्रो सिटीज है लाइक मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद ईटीसी इन जगह पर दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न है चिंता का मामला है फॉर द मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट. कई पर्यावरण शास्त्रियों के लिए हु हैव इन्वेंटेड वे जिन्होंने इस तरीकों को खोजा है टू अट्रैक्ट द बर्ड्स चिड़ियों को आकर्षित करने के बैक टू द सिटी शहरों में वापस. सम ऑफ देम आर उनमें से कुछ हैं कीपिंग फीडर्स और बर्ड्स चिड़ियों के लिए फीड करने वाली विद ग्रेन्स एंड वाटर ग्रेन्स अनाज के दानों से और पानी से पुटिंग अप द लिटिल गोल्डन बॉक्सेस और कुछ लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्सेस को रखना ट्रीज पेड़ों पर दैट वुड सर्व एज नेस्ट फॉर बर्ड जो चिड़ियों के लिए घोंसलों की सेवा कर सकें. मेकिंग ए बर्ड बाथ चिड़ियों को स्नान करने के लिए यूजिंग क्ले कंटेनर्स हम मिट्टी के कंटेनर का यूज कर सकते हैं एंड फिलिंग दैम और उन्हें भर सकते हैं विद द वाटर पानी से. कीपिंग इट ऑन द ट्रेस और बालकनी और इसे हम अपनी ट्रेस पर छत पर या बालकनी में रख सकते हैं. सो इट इज टाइम इसीलिए यह समय होता है टू सपोर्ट दीज डियर क्रीचर्स इन छोटे प्राणियों को सपोर्ट करने का. अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज मस्ट बी चेक्ड और जो अनकंट्रोल्ड मानवों की जो एक्टिविटीज हैं उन पर रोक लगनी चाहिए. इट इज नॉट टू लेट येट अभी तक बहुत देर नहीं हुई है. एज एट लीस्ट 70% ऑफ इंडिया इज रूरल लगभग भारत का 70% ग्रामीण पार्ट से आता है एंड प्रोवाइड्स नेस्टिंग प्लेसेस और वह नेस्टिंग प्लेसेस प्रोवाइड करता है एंड फूड और भोजन टू द हाउस स्पैरोज के लिए. बी ओ ए टू आवर फीदर फ्रेंड्स हम अपने जो फीदर फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो करते हैं टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट उनके प्राकृतिक घरों की रक्षा करने के लिए. थैंक्स.